हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि फ्रेंड्स गांव में क्या होता है कि अधिकतर सबके पास गाय भैंसे होती है, तो वहां क्या होता है फ्रेंड्स, जो दूध बच जाता है रात को तो उसको हम दही जमाने के लिए रख देते हैं और सुबह उसको दही को छाछ बनाने के लिए कुछ इस तरीके की जो बेलनी होती है वो हम काम लेते हैं, जिसको हाथ से ही हम उस दही को बेल के छाछ बनाते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है उसके अंदर हमारा समय बहुत लग जाता है और इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हाथ भी दुखने लग जाते हैं। तो बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेंड्स इस चीज को तो अब हटा दिया गया है और ये चीज बदलकर एक मशीन के रूप में आ गई है, जिससे कि हम क्या होता है बहुत ही आसानी से और जल्दी छाछ बना लेते हैं और अच्छे से बहुत जो हाथ से बनाते थे उससे मक्खन भी नहीं निकलता था, जबकि अब जो मशीनें आ रही है उससे बहुत ही अच्छी तरीके से ज्यादा क्वांटिटी के अंदर हम मक्खन निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये घर में मेरे पास मशीन पड़ी थी, इसके कनेक्शन है वो हो नहीं रखे फ्रेंड्स, हमारे जो इसके कनेक्शन है वो कटे हुए हैं, तो मेरी मम्मी ने बोला इसको रिपेयर भी कर दे और इसकी वीडियो भी बना ले, तो मैं इसको ठीक करने वाला हूँ और कनेक्शन है वो आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से इसके कनेक्शन होता है। ये इसकी रिफिल है जिससे कि छाछ हमारी जो मिलती है तो इसके भी हम इसके अंदर फिट करेंगे और देखते हैं फिर इसके कनेक्शन है किस तरीके से करता है। चलो फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स देख लेते हैं सबसे पहले कि इस मशीन के अंदर जो काम में आने वाली चीजें हैं जिससे इसको ऑपरेट करा जाएगा वो क्या क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास दो स्विच है, तो दोनों अलग अलग होने वाले हैं फ्रेंड्स, ये वन वे स्विच है और ये हमारे पास टू वे स्विच है, तो दो हमारे को ये स्विच ले लेना है। एक यहाँ पर हमारे को फैन कैपेसिटर जो आता है हमारा पंखे का वो ले लेना है और एक यहाँ पे हमारे को एक इंडिकेटर है वो ले लेनी है। सबसे पहले फ्रेंड्स इसका जो ये कवर है इसको हम हटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने इसकी कैप को हटा लिया है, अब यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे पास तीन तार आ रहे हैं, यहाँ पे दो रेड और एक येलो। फ्रेंड्स कहीं पे आपको किसी मोटर में देखने को मिलेगा जिसमें चार तार होंगे, तो उसके अंदर उस कंडीशन में हम क्या करें, तो हम एक टेस्ट लैंप लेंगे और उनमें इसके अंदर दो वाइंडिंग होती है, तो चेक करेंगे हम एक एक वाइंडिंग के सिरे, मतलब किन्हीं भी दो तार पे लगाएंगे जिस तार पे लैंप जल जाए, मतलब वो एक वाइंडिंग के सिरे हो गए और वैसे ही दूसरी वाइंडिंग के दो सिरे हो जाएंगे, तो उन दोनों वाइंडिंग के एक एक सिरे को आप क्या करना आपस में कॉमन कर देना और बाकी बच जाएंगे आपके पास फिर तीन तार जैसा कि अभी इसके अंदर है। तो इसमें हमारे पास जो चार तार है वो अंदर कॉमन हो रखा है डायरेक्ट और यहाँ पे येलो तार निकल गया कॉमन हुए से, और बाकी रनिंग और स्टार्टिंग के दो तार यहाँ पे रेड और ये दोनों रेड तार निकल जाएंगे। फ्रेंड्स इसको हम जो स्विच है उसको बाद में इसमें कसेंगे, पहले हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको कनेक्शन दिख नहीं पाएंगे, तो इसको हम रख देते एक बार साइड में। यहाँ पे जो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे जो हमारे पास रेड वायर है, तो उनके अंदर जो हमारा कैपेसिटर है उन दोनों कैपेसिटर के दोनों तारों को हम इन दोनों रेड वायर में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ दोनों वायर जो है कैपेसिटर के उन्होंने लाल तार के अंदर दोनों को कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे आपको पावर कोर्ड ले लेनी है और इसको हम इस बॉक्स के यहाँ पे होल है यहाँ से हम इसको अंदर की तरफ निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स इसको मैंने जो मेन सप्लाई के तार है वो इस होल से निकाल लिए हैं और इनको एक बार यहाँ जो स्विच लगेंगे हमारे वहाँ से मैंने इन तार को निकाल लिया और हमारी जो ये तार है इनको भी हम इस तरफ से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने इसके जो ये तार हैं सारे वो यहाँ जहाँ स्विच लगेंगे वहाँ से बाहर निकाल लिए एक बार। तो यहाँ पे आप एक बार जो मेन सप्लाई के तार है उनमें से कोई भी एक तार ले लेना जिसको आप फेज बनाओ, उसको आप है जो आपका वन वे स्विच है उसके एक टर्मिनल में लगा देना। और फ्रेंड्स इसको इस टर्मिनल में लगाने के साथ साथ आपकी जो एलईडी है उसका भी एक तार है जो डायरेक्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट कर लेना। तो फ्रेंड्स ये जो डायरेक्ट मैंने फेज का तार आएगा सप्लाई से उसको मैंने कर दिया वन वे स्विच के साथ कनेक्ट और इसी के साथ मैंने एलईडी का जो है एक तार जो है कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद मैं अब वाइंडिंग का जो कॉमन तार था येलो वाला उसको इस वन वे स्विच के दूसरे जो टर्मिनल है उसके ऊपर वाला जो देख रहे होंगे इसमें यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। फ्रेंड्स यहाँ पे वन वे स्विच का काम है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे डायरेक्ट फेज आएगा और यहाँ पे हमारी वाइंडिंग के साथ में जो कॉमन तार थे उसके अंदर सीधा चल जाएगा और इसी से हमारी एलईडी हो गई कनेक्ट। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ न्यूट्रल का तार बच रहा है दूसरा ग्रीन वाला, तो इसके साथ हमारे को जो ये एलईडी का दूसरा तार है वो यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देना है और जो टू वे स्विच है जो हमारे पास टू वे स्विच है उसके बीच वाला जो पॉइंट है उसके अंदर जो हमारा न्यूट्रल जो पॉइंट है उसको कनेक्ट कर देंगे। सॉरी फ्रेंड्स मैंने जो है इसको एलईडी बोल दी, ये एक इंडिकेटर है जो कि डायरेक्ट एसी सप्लाई से चलने वाला होता है। तो अब इसके जो कनेक्शन है ये न्यूट्रल पॉइंट है उसको हम टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट में कनेक्ट कर लेंगे।
तो यहाँ मैंने इसके न्यूट्रल पॉइंट को टू वे स्विच है उसके बीच वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है। इसी के साथ एलईडी को, ये जो हमारे इंडिकेटर है, इसको कनेक्ट कर दिया है। अब बच रहे हैं हमारे पास वाइंडिंग के, रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के दो सीरीज, जिसके साथ हमारे पास ये व्हाइट वाले तार जो है कैपेसिटर के लग रहे हैं। तो टू वे स्विच के जो दो पॉइंट बच रहे हैं साइडों वाले, उन दोनों के अंदर इन दोनों को कनेक्ट कर देना है। फ्रेंड्स, आप इसको किसी भी तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, इधर भी इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो, इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो मशीन है वो दोनों बाई डायरेक्शनल जो है चलने वाली है, दोनों डायरेक्शन में इधर भी चलेगी और इधर भी चलेगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके कनेक्शन है वो कर लिए हैं और इसका जो सर्किट डायग्राम है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप में और हमारे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक है वो मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ पे जाके चेक करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम से और इंस्टाग्राम से जुड़े। तो फ्रेंड्स, इसके कनेक्शन मैंने कर लिए हैं, इसको एक बार मैं साइड में ले देता हूँ। आपको यह साइड स्क्रीन में दिख रहा होगा जो इसकी इसका डायग्राम है वो मैंने बना दिया है, तो उसको भी देख रहे हो और इसको भी देखते रहो कि किस तरीके से मैंने इसके कनेक्शन किए हैं। तो यहाँ पे आप वन वे स्विच देख रहे होंगे, इसमें हमारी डायरेक्ट सप्लाई आएगी, जिससे कि हमारी एक एलईडी का इंडिकेटर है जिसका तार यहाँ पे हमने कनेक्ट कर लिया है। यहाँ फेस तार डायरेक्ट जो आएगा वो वन वे स्विच के यहाँ पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है, जिसके साथ हमने जो हमारी इंडिकेटर है उसका एक तार यहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे येलो वाला तार वाइंडिंग का कॉमन तार है, जिसमें रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग कॉमन हो रही है, उसका तार जो जहाँ से हमारी सप्लाई डायरेक्ट जाएगी हमारी वाइंडिंग में। उसके बाद हम टू वे स्विच पे आ जाते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर का जो दूसरा सिरा है उसको हम डायरेक्ट न्यूट्रल सिरा, जो हमारे पास यहाँ बीच वाले कॉन्टैक्टर पे दिख रहा होगा आपको, ये दोनों हमने यहाँ पे साथ कनेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद में यहाँ दोनों कॉन्टैक्टर जो बच गए हमारे पास टू वे स्विच के, जो ऊपर नीचे कॉन्टैक्टर दिख रहे होंगे, इसके अंदर जो बाकी बचे हुए दो सिरे हैं रनिंग और स्टार्टिंग के, उनको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। और इसी के साथ हमारे यहाँ पे जो कैपेसिटर है जिसके वाइट तार आप देख रहे होंगे, वो भी इसके साथ कनेक्ट है। अब इसको कर लेते हैं हम पैक और इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं, और आपको जो इसका डायग्राम है वो साइड में दिख ही रहा होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इसकी बॉडी को जो है पैक कर लिया है, ढक्कन को। अब इसके अंदर जो ये है हमारे चार्ज मिलाने के लिए, इसको हम इसके अंदर लगा देते हैं, तो इसको अच्छी तरीके से फिट करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका ये जो है जिससे चार्ज मिलेगा वो लगा दिया है, और इसमें देख रहे होंगे फ्रेंड्स यहाँ जो दोनों स्विच है, इसमें ये वाला जो स्विच है ये इसको मशीन को करेगा एक बार ऑन। जैसे ही मशीन ऑन हो जाएगी तो ये जो टू वे स्विच जिस डायरेक्शन में है, तो मशीन या तो एंटी क्लॉकवाइज फिक्स रहेगी या क्लॉकवाइज फिक्स रहेगी, तो उस तरफ घूमना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जैसे हम इसको टू वे स्विच को नीचे की तरफ कर देंगे, इसकी डायरेक्शन अचानक से बदल जाएगी। जैसे कि हम आपके जो चार्ज बिल होने का जो होता है, इसमें आप चार्ज बिल होते हो तो एक बार इसको इस तरफ घुमाते हो, फिर इसको आगे की तरफ इस तरीके से करते हो, तो ये एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे घूमता है, तो वो काम जो है इसका वो यहाँ पे करेगा हमारा टू वे स्विच, जो इसको एक बार इस तरीके से घुमाएगा, एक बार इस तरीके से घुमाएगा। अब देखो, मैं इसमें सप्लाई देता हूँ, फिर इसे आपको चलाते दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें सप्लाई दे दी है, आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिकेटर भी हमारा ग्लो करने लग गया है। अब हम इसको जो हमारा वन वे स्विच है उसको ऑन करते हैं। तो जैसे मैं इसको ऑन करूंगा, हमारी जो मशीन है डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट हो गई। अब मैं टू वे स्विच से इसको पलटता हूँ, देख सकते हो फ्रेंड्स इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, अब से चेंज हो गई। तो देख लिया होगा फ्रेंड्स किस तरीके से इस मशीन के कनेक्शन करते हैं। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स गांव में जो भी आपके रिलेटिव है, जो गाय रखते हैं, भैंसे रखते हैं, और जो इस मशीन का यूज डेली यूज में लेते हैं, उनको शेयर करें, ताकि कुछ भी इस तरीके की छोटी मोटी खराबी हो तो घर पे ही रिपेयर कर सके। और फ्रेंड्स, हमने अभी हाल ही में नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पे आप इस वीडियो का जो डायग्राम है वो भी वहाँ पे आप देख पाओगे, और भी जो हमारे चैनल से रिलेटेड या जो भी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट से रिलेटेड डायग्राम्स जो भी है नोटिफिकेशन, वो हम उस पर व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड करते रहते हैं। और इसी तरीके से आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी मैं डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।